सुल्तानपुर में थाना गोसाईगंज के द्वारिकागंज में 36 वर्षीय नंदलाल को सांप ने काटा, हालत नाजुक, डायल 100 की गाड़ी ने अस्पताल पहुंचाया। सुल्तानपुर के लम्हुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज में छात्रों में विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक छात्र का सिर फूटा, मामला थाने पहुंचा। सुल्तानपुर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित हुआ जिला स्वच्छता समिति की कार्यशाला का आयोजन, जिलाधिकारी सहित सैकड़ों लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर में हुई भारी बारिश, मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से राहत के साथ किसानों के चेहरे खिले। सुल्तानपुर में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव, गंदगी का लगा अंबार, पैदल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। सुल्तानपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव आज, वार्षिक चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे अधिवक्ता, भारी भीड़ जुटी। सुल्तानपुर में सहेली समाजसेवी संस्था ने बनवासी आश्रम व स्मृति उपवन में किया वृक्षारोपण, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर में पुलिस प्रशिक्षण हेतु वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से जनपद के नवागत प्रशिक्षु आरक्षियों को फेसबुक लाइव के माध्यम से कराया गया अवगत, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर के जिला कलेक्ट्रेट में शासन की नीतियों के प्रचार प्रसार और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जादूगर राजा ने किया कार्यक्रम, सभी अधिकारी सहित सैकड़ों लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर में व्यापारियों से हो रही चोरी व लूट से नाराज व्यापारी, सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता पहुंचे पुलिस ऑफिस, अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन। सुल्तानपुर में आवास विकास के द्वारा करवाए जा रहे नाले के निर्माण में हो रही लापरवाही से इलाके के लोगों का जीना हुआ दुश्वार, व्यापार मंडल ने मामले की शिकायत नगर पालिका ईओ से की।